नमस्कार दोस्तों, क्लीन स्वीप से बचने के लिए भारत को बनाने होंगे आज 288 रन। आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका टीम को किया ऑल आउट। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भारत यह मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने क्वांटन डी कॉक और जे मलान आए। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जे मलान आते ही एक रन के स्कोर पर आउट हो गए। फिर उसके बाद कप्तान बाबूमा भी 8 रन बनाकर रन आउट हो गए। फिर उसके बाद क्रीज पर एडम मार्करम आए, लेकिन एडम मार्करम भी 15 रन के स्कोर पर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका टीम को तीन बड़े झटके लग चुके थे। लेकिन इसके बाद क्वांटन डी कॉक ने शतक ठोककर साउथ अफ्रीका पारी को संभाला और 124 रन बनाकर क्वांटन डी कॉक भी आउट हो गए। और वहीं वेंडर डुसन ने भी शानदार अर्धशतक यह पारी खेली और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार 2 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका टीम को 287 रनों पर ऑल आउट कर दिया। वहीं भारतीय टीम के पास 288 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम ने रखा है। अगर आज भारतीय टीम 288 रन बनाती है तो वनडे सीरीज में भारतीय टीम क्लीन स्वीप होने से बच जाएगी। हालांकि वनडे सीरीज भारतीय टीम पहले ही हार चुकी है। वहीं भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। तो देखना होगा कि क्या ये दोनों बल्लेबाज शानदार शुरुआत करके भारत को इस मुकाबले में जीत दिलवा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लें।